नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका खुद का घर हो। तो क्या है कि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं ताकि हमारा एक सपना साकार हो सके। तो हम आज सिर्फ होम लोन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होम लोन के काफ़ी सारे पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, दूसरा अगर यदि आप किसी से बना बनाया मकान खरीद रहे हैं, या फिर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और उसको टेक ओवर कराना चाहते हैं, या प्लॉट खरीदने के लिए भी आपको होम लोन मिलता है। अब इसके अंदर दूसरा यह है कि जो एलिजिबिलिटी है, 18 साल, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 70 साल होनी चाहिए। ये हर किसी बैंक में लागू है। अब इसमें नंबर, जैसे मान के चलिए कई बार क्या रहता है कि अगर आप सिंगल बोरोअर हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बैठ पाती कि आपकी थोड़ी तनख्वाह कम है, इसकी वजह से होम लोन जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो आप अपने साथ को बोरोअर भी ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 को बोरोअर ऐड कर सकते हैं अपने साथ। अब रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अभी चल रहा है अक्टूबर 2020, तो लगभग सभी बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास है। यानी कि आप चाहे ISBI में लो, HDFC में लो, ICICI में लो, किसी भी बैंक में चले जाइए, 7% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगी। अब जो इसमें एक और अहम मुद्दा आता है कि हम इससे टैक्स कैसे बचाएं, यानी कई लोग होम लोन लेते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं टैक्स किस तरीके से बचाया जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए, इनकम टैक्स में 2 सेक्शन है जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं, ATC और 24। ATC में आप लगभग 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। 1.5 लाख मतलब एक साल के अंदर जितना भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसका, और 24 में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसका लगभग 2 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से वो टैक्स बचाया जा सकता है। ये देखिए, मान के चलिए आपका 30 लाख का एक लोन चल रहा है। अब उस पर सालाना आपको 2 लाख तो ब्याज, 2,10,000 ब्याज लग रहा है और 32,000 आपका मूलधन कम हो रहा है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिबेट मिलेगी 32,000 की ATC के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की रिबेट मिल सकती है। तो आपको 2 लाख रुपये तक की रिबेट 24 सेक्शन में मिलेगी। अब आता है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है। देखिए, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, मैक्सिमम लोन अमाउंट 3 चीज़ों में वो कैरेक्टराइज करते हैं, EMI अपॉन NMI रेशियो, LTV रेशियो और मैक्स जो लोन आपने अप्लाई किया है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं EMI और NMI रेशियो। जनरली ये रेशियो हर बैंक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए 50% तक आप इसको समझ के चलिए। अब इसका 50% जो मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, आइए हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। बैंक ये मान के चलता है कि अगर आपकी, जैसे कि आपकी सालाना तनख्वाह 6 लाख है, 50,000 आपके इन हैंड आते हैं, तो बैंक ये मान के चलता है कि आप 25,000 रुपये तक की EMI दे सकते हो और 25,000 आपको खुद के खर्चे के लिए चाहिए। तो मतलब आपकी जो जो एलिजिबिलिटी निकलेगी लोन पर EMI की, वो निकलेगी 25,000। मतलब जितने लाख का भी लोन आप ले रहे हैं उसकी EMI 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी, अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है इन हैंड। तो अब आता है लोन टू LTV रेशियो। लोन टू LTV रेशियो भी लगभग आप 80% समझिए हर बैंक में। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए हम देख लेते हैं। मान के चलिए आप 40 लाख का होम लोन अप्लाई करते हैं, 40 लाख का अगर होम लोन अप्लाई करते हैं तो, और LTV रेशियो में 80% समझो, तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 50 लाख होनी चाहिए तभी आपको 40 लाख का होम लोन मिल पाएगा। जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, जनरली ये 1 से 2% के बीच होती है हर बैंक में। अब आता है कि इस प्रोसेसिंग फीस के अलावा और क्या क्या चार्जेस लगते हैं। सबसे पहला लगता है स्टाम्प ड्यूटी, आपकी स्टेट में जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको देनी है। वैल्यूएशन रिपोर्ट और TIR रिपोर्ट, ये दोनों की फीस भी आप ही को देनी होती है, वैल्यूअर और एडवोकेट को। इसके अलावा सरसी चार्जेस लगते हैं। तो यही मोटा मोटी चार्जेस होते हैं होम लोन में।
अब आता है रीपेमेंट पीरियड, जो आरबीआई ने निर्धारित किया है कि 30 साल मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड हो सकता है होम लोन का, या फिर जो भी बोरोर है उसने 70 साल की एज अटेंड करने के पहले ये लोन पेमेंट हो जाना चाहिए। अब आता है मॉरेटोरियम पीरियड। जनरली जो मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड बैंक और एनबीएफसी देते हैं वो देते हैं 18 महीने का। 18 महीने तक का आपका मॉरेटोरियम पीरियड आपको मिल सकता है। अब डिसबर्समेंट कैसे होता है, जैसे आप होम लोन ले लेते हैं तो उसका डिसबर्समेंट कैसे होता है? मान के चलिए आप अगर घर खरीद रहे हैं तो जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसी को पेमेंट होगा। अगर आपने आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो बिल्डर को पेमेंट होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे उसकी पर्चियां और जो उसके बिल्स वगैरह बैंक में लाके सबमिट करेंगे और आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। अब जो रीपेमेंट आता है वो या तो आप डायरेक्टली ऐसा ही कर सकते हैं इंस्टेंडिंग इंस्ट्रक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने होम लोन लिया है एसबीआई से और आपका सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी से, तो ईसीएस के माध्यम से आपके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली होम लोन की किस्तें कट जाएंगी। प्री क्लोजर पेनल्टी हर जगह अलग अलग है, जो लगभग 2 से 5% के बीच में रहती है, और कई सरकारी बैंकों में ये वाली प्री पेमेंट पेनल्टी आपको नहीं देनी होती। अब एनपी अकाउंट, आरबीआई का नॉर्म हर जगह सिंपल है, अगर आपने 90 दिन तक प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट सब स्टैंडर्ड यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई हो जाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? नॉर्मली ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, ये हर बैंक में एनबीएफसी में आपको ये लिस्ट कॉमन ही मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 साल का ITR, 6 महीने की सैलरी स्लिप, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 2 साल की बैलेंस शीट आपको चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए 1 साल का, और एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट मतलब आपके पास जो भी पूंजी है और लाइबिलिटी है उसका एक स्टेटमेंट स्टाम्प पेपर पर। अब कैसे अप्लाई करें? SBI में तो बड़ा सिंपल है, आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी दूसरी बैंकों में भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार कई एजेंट्स भी होते हैं जिनको DLC बोला जाता है, आप उनके माध्यम से भी होम लोन ले सकते हैं। अब आता है प्रोटेक्शन। कई हर बैंक लगभग एक प्रोटेक्शन प्लान देता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन प्लान लीजिए, इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वालों को वो होम लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक सब बाकी का सारा पैसा देती है। ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा भी है, कि मेरे भी यहाँ भी ऐसे 2-3 केस हुए जिसके अंदर प्रोटेक्शन प्लान था, तो फैमिली को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, मैक्सिमम लोन का अमाउंट उसी से एडजस्ट हो गया जो इंश्योरेंस आया था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे तो होम लोन अगर लेंगे तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा आपको। आपकी जितनी भी जो नॉर्मल क्वेरी थी वो सब मैंने इसमें जवाब दे दी है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ आपको बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हो सकता है आपके काफ़ी सारे पैसे इस फाइनेंस नॉलेज की वजह से बच जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।